स्टूडेंट ब्रिंजल यानी कि बैगन पर आज अपन कलर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पर पेंसिल से आउटलाइन करेंगे। और आउटलाइन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा पेंसिल पर होल्ड बढ़ता है, हम पेंसिल को सही तरीके से चलाना सीखते हैं, इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम पूरी ड्राइंग पर पेंसिल करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर वाले जो पार्ट है उसमें हम लाइट ग्रीन कलर कर रहे हैं। ग्रीन में भी दो तीन शेड आते हैं, ये हम लाइट ग्रीन कलर इस पर फिल कर रहे हैं। और जब हम कलर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें कलर एक ही डायरेक्शन में करना है। तो इस तरीके से ये हमारा ऊपर वाला पार्ट हुआ। अब हम डार्क ग्रीन कलर लेकर आए हुए हैं और जो हम इसके साइड साइड में फिल करेंगे जिससे कि इसमें एक शेड दिखने लगेगा। ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे। अब पर्पल कलर, वॉयलेट कलर या पर्पल कलर, इसको हम फिल करेंगे। और इसको भी हम, उससे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें इसके लिप्स में और माउथ में कलर कर देते हैं जिससे कि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमको इसके अंदर कलर ये वाला करना है ऑरेंज। इसके अंदर हमने ऑरेंज डाला, लिप्स पे रेड लगाया और आईज़ में हम कोई कलर नहीं डालेंगे और रेड इसकी हमने नोज़ में फिल कर दिया। अब हमारे पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब जितना एरिया बच रहा है आईज़ को छोड़कर, बाकी हम पूरे में पर्पल या वॉयलेट कलर को फिल कर रहे हैं। और हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, कलर को फिल करने का जो डायरेक्शन है हमारा ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जो बैगन होता है, जो ब्रिंजल होता है, उसमें भी कुछ लाइंस होती हैं, तो उसी तरीके का हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। इसकी आईज़ में हम कलर नहीं करेंगे, उसको हम वाइट ही छोड़ रहे हैं, ब्लैक ऑलरेडी उसमें फिल है। और हमारा ब्रिंजल में कलर हो गया है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप लोग भी धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। डीप ग्रीन से ही हम थोड़ा सा शेड और दे रहे हैं। शेड देने से उसमें टर्निंग्स दिखने लगती है। अरे वाह,